नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप बंसल, फैकल्टी ऑफ जनरल साइंस, पाठशाला ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में रक्त, ब्लड से संबंधित बातें की थी, आज हम बात करेंगे हृदय, हार्ट से संबंधित, कि शरीर के अंदर रक्त अंगों से हृदय की ओर बहता है और हृदय से जब अंगों की ओर बहता है तो इससे संबंधित एग्जाम में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो हृदय अर्थात रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित किस प्रकार के सब क्वेश्चन प्रश्न पुटअप होते हैं उनके बारे में आज हम विशेष जानकारी लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हर अंग का अध्ययन अलग ब्रांच या शाखा में किया जाता है, तो पहला सवाल अपना वही है कि फर्स्ट पहला सवाल क्या है कि हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। जैसा हमने सीखा था कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाया था, हीमेटोलॉजी, ऐसे ही पहला क्वेश्चन क्या है अपना, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो अपना इसका आंसर बनेगा कार्डियोलॉजी। क्या कहलाएगा वो, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में हृदय से संबंधित रोग, हृदय के अंग के बारे में जानकारी, हृदय से किस प्रकार से रक्त की क्रियाविधि होती है, किस प्रकार से बहता है, उन सब का अध्ययन किया जाता है कार्डियोलॉजी में। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हृदय से संबंधित बातें की जाती है, वह शाखा, वो ब्रांच कहलाती है कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है। तो देखो यहां से दो सवाल आते हैं, जैसे कि पहला सवाल इसमें दिया हुआ है कि ईसीजी शरीर के किस अंग से संबंधित है और दूसरा ईसीजी का पूरा नाम क्या है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ईसीजी का पूरा नाम क्या है। ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, शॉर्ट में ईसीजी। तो देखो नाम यहां पर वैसे ही आ गया, कार्डियो। कार्डियो का मतलब क्या रहेगा, हृदय, दिल। यहां पर हृदय से संबंधित जो भी रक्त की गतिविधियां होती है या उनसे संबंधित जो भी रोगों का जानकारी लेना होता है, डिजीज की जानकारी लेनी होती है, तो डॉक्टर कभी भी लिखता है कि भाई ईसीजी करा के आओ। तो ईसीजी से तात्पर्य क्या रहेगा, हृदय से संबंधित बात कर रहे हैं, हृदय का अध्ययन करना है, हृदय से संबंधित रोगों की जानकारी लेनी है या हृदय में रक्त का प्रवाह किस प्रकार से है तो उसकी जानकारी ली जाती है किससे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कहने का तात्पर्य ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है, हृदय की गति को दर्शाता है। मस्तिष्क की बात करें तो यहां पर ईसीजी की जगह आ जाता है ईईजी। ईजी का मतलब क्या रहेगा, इलेक्ट्रो एनसेफेलो, इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफ। तो दो वर्ड हैं, दो वर्ड अच्छे से याद कर लो, दोनों का पूरा नाम और दोनों के दोनों किस अंग से संबंधित हैं। तो ईसीजी का पूरा नाम होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और ईजी का पूरा नाम होगा इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफ, ग्राम या ग्राफ। अब देखो यहां पर दो कंफ्यूजन है, कभी कभी लिखा होता है ग्राम और कभी कभी लिखा होता है ग्राफ। तो अगर वो केवल ईसीजी या ईईजी लिखे तो आपको जी को क्या समझ के रखना है, ग्राफ। और यदि इनके आगे ऐसे यंत्र लगा दे कि भाई ईसीजी यंत्र या जो इंस्ट्रूमेंट है, ईसीजी यंत्र या इंस्ट्रूमेंट है इसका पूरा नाम, तब आपको ग्राफ शब्द का इस्तेमाल नहीं करना, तब आपको क्या करना है, ग्राम। कहने का तात्पर्य ईसीजी जिस मशीन से की जाएगी वो मशीन तो कहलाएगी इलेक्ट्रोकार्डियो ग्राम और उससे जो रिजल्ट प्राप्त होगा मिलेगा वो कहलाएगा ग्राफ। तो केवल यहां पर ईसीजी था कि ईसीजी, तो अगर केवल ईसीजी बोले तो ईसीजी का पूरा नाम क्या रहेगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और यदि यंत्र या इंस्ट्रूमेंट शब्द जुड़ा हो तो ग्राफ की जगह क्या शब्द इस्तेमाल करोगे आप, ग्राम शब्द इस्तेमाल करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। जैसा अपन जानते हैं कि अपना दिल धड़कता है, धक 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 धक, इस तरह से एक ध्वनि सुनाई देती है। एक्चुअल में वो धक धक जरूर होती है, लेकिन उसको किस नाम से जाना जाता है, लबडप के नाम से जाना जाता है, कि हृदय से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो लबडप होती है, लेकिन सुनने में नॉर्मली आता है धक धक। तो अपना धड़कन में जो समय लगता है वो समय लगता है 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड का, 0.8 सेकेंड। तो सवाल क्या है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, तो समय का मान कितना याद रखेंगे आप, 0.8 सेकेंड का समय। तो अपना आंसर क्या बनेगा, 0.8 सेकेंड। तो मनुष्य के शरीर में हृदय धड़कता है तो एक धड़कन में कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड का समय लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है। यहाँ पर वेट, भार की बात की गई है कि हृदय का वजन कितना होता है। तो देखो नॉर्मली जो हृदय का वजन होता है वो होता है 250 से 300 ग्राम, 250 से लेकर 300
300 ग्राम तक। तो ये तो हो गई इसकी रेंज परास। लेकिन जब भी एक ही आंकड़े की बात करें कि नहीं, अगर मान लो किसी ऑप्शन 250 ग्राम भी है, 300, 300 ग्राम भी है, तब कौन सा आंसर चूज करना पड़ेगा? हमेशा अधिकतम की ओर जाना। तो 250 से 300 तो रेंज है, और आपको पहुंचना कहां तक है? 300 ग्राम तक। तब आप चूज कर सकते हैं। पहला आंसर क्या रखा है? 200 ग्राम, नहीं, तीसरा है 300। आगे देखते हैं 400 और 500, तो बहुत रेंज को क्रॉस कर गया। तो 250 से 300 में बेस्ट आंसर क्या बनेगा अपना? 300 ग्राम। तो सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन, वेट जो माना जाता है, वो 250 से 300 ग्राम, और यहां पर अपना आंसर क्या बनेगा? 300 ग्राम, 300 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कक्षों, चैम्बर्स की संख्या कितनी होती है? तो देखो, हृदय की बात करें तो हृदय को प्रमुखतः चार भागों में विभाजित किया जाता है। इस तरह से चार भाग बनते हैं। एक भाग कहलाता है आलिंद, और नीचे की तरफ जो होते हैं वो कहलाते हैं क्या? निलय। तो सेम यहां पर क्या रहेगा अपना? आलिंद, और नीचे की ओर क्या होगा? निलय। इनको ही अपन कक्ष कहते हैं। कक्ष बोलो, कक्षा बोलो, कोष्ठ बोलो, चाहे आप इंग्लिश में इनको चैम्बर्स नाम से बोल सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है चैम्बर्स। अच्छा, ये वाला भाग है वो कौन सा कहलाएगा? अपना राइट साइड का दायां वाला भाग। इस तरह से अगर अपन खड़े होते हैं तो ये अपना राइट साइड हुआ, और ये वाला अपना लेफ्ट बायां साइड हुआ। तो ये दायां और ये बायां। तो इस प्रकार से यहाँ पर चार भाग हृदय में होते हैं। एक कहलाएगा दायां आलिंद, एक कहलाएगा दायां निलय। बाएं की तरफ चले तो एक बायां आलिंद और एक बायां निलय। इंग्लिश की बात करें तो देखो, आलिंद को कहा जाता है एट्रियम, एट्रियम, और निलय कहलाते हैं वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर। तो एक तरह से चार पार्ट, फोर चैम्बर्स कैसे याद रखोगे? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर। कहने का तात्पर्य दायां आलिंद और बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। तो मनुष्य के हृदय में चार कक्षाएं, कक्षा, कक्ष, कोष्ठ, चैम्बर, आप कोई भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सवाल भी अपना यही है कि मानव हृदय में कक्ष अर्थात चैम्बर्स की नंबर संख्या कितनी होती है? तो कितनी याद रखेंगे अपन? चार। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए, कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या चार होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि वयस्क व्यक्ति की हृदय की धड़कन दर क्या होती है? रेट कितनी होगी? कहने का तात्पर्य कि अगर बात करें एक सेकंड की, एक मिनट की, एक घंटे की, तो इसमें जैसे चार ऑप्शन में मिनट का इस्तेमाल भी किया है, घंटे का इस्तेमाल भी किया गया है, सेकंड का इस्तेमाल भी किया गया है। तो देखो, अपने हृदय की धड़कन की दर, जैसे आपने कहा कि हृदय धक धक, एक धड़कन, धक धक दो, धक धक तीन, इस तरह से एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो देखो, उसकी रेंज जाती है 70 से 72 टाइम्स पर मिनट। कहने का तात्पर्य 70 से 72 बार प्रति मिनट जाती है। तो अगर एक ही आंकड़ा, एक ही वैल्यू, एक ही ऑप्शन चूज करना हो तो हमेशा क्या टिक करते हैं अपन? 72 बार। तो अब इस रेंज के मुताबिक जो विकल्प चुनना होगा, तो एप्रोप्रिएट आंसर उसमें से ढूंढना होगा। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले ऑप्शन में दिया प्रति मिनट 50 से 60 बार, तो ये तो कम रहेगी, वो तो गलत हो गया। सेकंड क्या रखा? प्रति घंटा 70 से 80 बार, एक घंटे में 70 से 80, बहुत कम रेट है। यहां पर दे रखा है प्रति सेकंड 70 से 80 बार, प्रति सेकंड, एक सेकंड में 70 से 80, वो भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन पे आइए, डी ऑप्शन क्या कह रहा है? प्रति मिनट 70 से 80 बार, और हमने आंसर क्या लिखा? 70 से 72 बार, 72 टाइम्स पर मिनट। तो यहां पर अपना आंसर क्या बनेगा? प्रति मिनट। अब जरूरी नहीं है कि वो 80 तक पहुंच जाए, लेकिन हाँ, आप कोई कठोर कार्य करने लगे, शारीरिक परिश्रम करने लगे, भाग दौड़ करने लगे, तो ये जो संख्या है धड़कन की प्रति मिनट, वो 72 से लेके 75, 80, 85, 90 तक भी चली जाती है। लेकिन सामान्य अवस्था की बात करें, बिल्कुल आराम वाली विराम अवस्था की बात करें, तो वो रेंज 70 से 72 होती है। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर क्या निकल के आएगा? प्रति मिनट 70 से 80 बार। तो अपना आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, पर मिनट 72-80 टाइम्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम है, बस ऑप्शंस को अलग किया हुआ है। जैसे पहला सवाल, जैसे कि आपके सवाल आया कि एक मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है, तो हमने बताया था 70 से 72 बार एक मिनट में धड़कता है। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर? बेस्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, 72 टाइम्स पर मिनट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन अपने क्या है कि प्रति मिनट सामान्यतया हमारे हृदय के कपाट वल्व, वल्व या वाल्व जैसे कहते हैं, वो लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि ये कपाट वाल्व होते क्या हैं। तो जैसे आपने कहा कि जो हृदय है, हृदय में आपने चार
कपाटों की संख्या चार चैम्बर्स बताए थे आपने, आलिंद, दायां आलिंद, जैसे अपन लिख भी सकते हैं दायां आलिंद और बायां आलिंद, ये अपना दायां भाग और ये अपना बायां भाग, और नीचे की ओर मैंने क्या बताए थे निलय वेंट्रिकुलर होते हैं, इधर दायां निलय और इधर क्या हो गया बायां निलय। तो देखिए कपाट वाल्व एक तरह से एक खिड़की नुमा संरचना हो गई, छिद्र नुमा संरचना हो गई। तो आलिंद दाएं आलिंद और दाएं निलय की ओर एक कपाट होता है, वो कपाट तो कहलाता है त्रिवलनी कपाट। क्या नाम है उसका? त्रिवलनी कपाट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्राइकास्पिड, ट्राइकास्पिड वाल्व। एक बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य भी होता है, जिसे कहते हैं द्विवलनी कपाट, द्विवलनी कपाट, जिसको इंग्लिश में बाइकास्पिड वाल्व नाम से जाना जाता है, बाइकास्पिड वाल्व। एक नाम इस वाल्व का और है जिसे मिट्रल वाल्व कहा जाता है, मिट्रल वाल्व। तो कभी कभी द्विवलनी ना लिख के वो मिट्रल वाल्व शब्द का इस्तेमाल करता है, तो द्विवलनी कपाट को ही मिट्रल वाल्व भी कहा जाता है। और एक कपाट मिलता है निलय की ओर और एक कपाट यहां मिलता है, इसे तो कहते हैं पल्मोनरी कपाट, इसे तो कहा जाता है पल्मोनरी कपाट, और इसे कहा जाता है एओर्टिक कपाट, एओर्टिक कपाट। तो ये जब कपाट खुलते हैं ना, तभी यहां से रक्त निकलता है। जैसे कि जब ये दोनों कपाट बंद रहते हैं तो इन दोनों आलिंदों में रक्त भरता है, उसी दौरान ये दोनों कपाट खुले होते हैं तो यहां से रक्त निकल रहा होता है। जब उल्टा सिस्टम होता है, जब ये दोनों कपाट खुलते हैं तो यहां से रक्त निकलता है, और जब ये दोनों कपाट बंद रहते हैं उसी दौरान सेम ड्यूरेशन पे, तो यहां रक्त भरता है। तो इस तरह से अपने हृदय में चार कपाटों की संख्या, वाल्व की संख्या बताई जाती है। और इन कपाटों का काम क्या है कि आलिंद से निलय की ओर तो रक्त को आने देते हैं, निलय से आलिंद की ओर रक्त को नहीं जाने देते। तो ये क्या करते हैं, वन डायरेक्शनल फ्लो प्रोवाइड करते हैं रक्त को, एक दिशीय प्रवाह, ताकि रक्त आलिंद से निलय की ओर तो बहे, कभी भी निलय से आलिंद की ओर रक्त नहीं बह पाए। ठीक, तो अपने हृदय में कुल कितने कपाटों की संख्या होती है? चार। अब ये कपाट खुलते, जैसे हमने कहा कि भाई जितनी बार खुलेंगे उतनी बार बंद भी होंगे, जब ये दोनों खुलते हैं तो ये दोनों बंद रहते हैं, और जब ये दोनों बंद रहते हैं तो ये दोनों ओपन होते हैं, खुलते हैं। तो जैसे ही इन कपाटों के बंद होते हैं, तो बंद होने पर जो आवाज आती है वही हमने लबडप या धक धक बताई थी। तो यहां पर सवाल क्या है कि ये जो कपाट है कितनी बार खुलते और बंद होते हैं, तो आपको ये नंबर, आंकड़ा, ये संख्या आपको याद रखनी होगी कि प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट वाल्व लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं। तो अपना आंसर आता है 1,00,000। तो देखो यहाँ 10,000, 10,000, यहाँ 15,000, यहाँ पर 2,00,000, और ये दे रखा है 1,00,000। तो अपना आंसर क्या बना कि अपने हृदय की जो कपाट है प्रतिदिन 1,00,000, 1,00,000 टाइम्स, 1,00,000 बार खुलते, और जितनी बार खुलते उतनी बार बंद भी होते, तो 1,00,000 बार खुलते और बंद होते हैं। तो अपना आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, 1,00,000 टाइम्स, 1,00,000 बार। ये कपाटों की संख्या जरूर याद रखना, जैसे मैंने बताया कि चार कपाट होते हैं, एक कपाट त्रिवलनी ट्राइकास्पिड जो दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य होता है, एक कपाट बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य जिसे द्विवलनी बाइकास्पिड या मिट्रल कपाट या मिट्रल वाल्व नाम से जाना जाता है, एक दाएं निलय की ओर मिलता है जिसे पल्मोनरी कपाट कहते हैं, और एक बाएं निलय की ओर मिलता है जिसे एओर्टिक कपाट नाम से भी कहा जाता है, जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? तो बेसिकली हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और मैंने बताया भी था कि इसका आंसर क्या बनता है, 120/80, 120 से लेकर 80, और इसका मात्रा की यूनिट क्या होती है, mmHg, मिलीमीटर इन पारा मरकरी। ये अपना था सिस्टोल, सिस्टोलिक जब संकुचन होगा, जब क्या होगा, संकुचन होगा, और 80 का मतलब जब शीतलन होगा, फैलाव होगा, जिसे अपन नाम से जानते हैं डायस्टोल, जिसे कहा जाता है शीतलन, प्रसारण या फैलाव। और ये भी हमने जाना था कि इस रक्तचाप को नापते मीजर किस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से करते हैं, जिसका नाम हमने क्या सीखा था, स्फिग्नोमैनोमीटर। तो मनुष्य का रक्तचाप कितना याद रखेंगे सामान्य अवस्था में, 120/80, कभी कभी ऑप्शन में एक ऑप्शन और दे देते 80/120, तो एप्रोप्रिएट आंसर क्या बनेगा, पहले सिस्टोल लिखते हैं ऑब्लिक फिर डायस्टोल लिखते हैं, 120/80। क्लियर, तो अपना आंसर यहां पर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, 120/80।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहा जाता है? तो देखिए, जो अपना हृदय है, हृदय से रक्त को जो रुधिर वाहिनियां लेकर आती हैं वो तो कहलाती हैं शिरा। क्या कहलाती है? शिरा, या इंग्लिश में आप इनको वीन्स कह सकते हैं। और अंगों से हृदय की ओर लेकर आ रही हैं, और इन शिराओं में सदैव ऑलवेज कैसा प्रवाह होता है रक्त का? अशुद्ध रक्त। कैसा बहेगा? इम्प्योर ब्लड। अशुद्ध रक्त जो कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड विद CO2 होता है, CO2 युक्त होता है। और हृदय से जब रक्त लेकर जाती हैं तो वो रुधिर वाहिनी, वो जो ब्लड ट्यूब होगी वो कहलाएगी धमनी। क्या कहलाती है? धमनी, जिसको इंग्लिश में अपन आर्टरी के नाम से जाना जाता है। आर्टरीज अपना बहुवचन में आएगा, प्लूरल में एक है तो अपना आर्टरी, धमनी के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर हमेशा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड। और ये शुद्ध रक्त कौन सा युक्त होता है? अपना ऑक्सीजन युक्त होता है, O2 युक्त होता है। और ये हृदय से अंगों की ओर रक्त लाती है। और जो रक्त दाब नापा जाता है वो नापा जाता है धमनियों में। कहाँ नापा जाता है? धमनी में। धमनी का नाम भी याद रखना, रक्त दाब हमेशा ब्रैकियल धमनी में नापते हैं। किसमें नापते हैं? ब्रैकियल आर्टरी, ब्रैकियल धमनी में नापा जाता है। तो अगर सवाल जैसे पूछा गया है कि किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को, प्रेशर को रक्त दाब कहा जाता है, ब्लड प्रेशर कहा जाता है, तो अपना आंसर क्या बनेगा? हृदय की, शिराओं की, कोशिकाओं की या धमनी की? तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर क्या बनेगा? धमनियों की। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्तचाप या रक्तदाब या BP या ब्लड प्रेशर निम्न में से किस में हाई, उच्च होता है? तो देखिए, जैसे अभी अभी हमने बात करी थी, एक तो होती है शिरा और एक होती है धमनी। तो धमनियों में हमेशा रक्तदाब उच्च रहता है, ब्लड प्रेशर, जबकि शिराओं में, वीन्स के अंदर हमेशा निम्न, लो रहता है। इसका रीजन भी ये होता है कि धमनियों की जो गुहा होती है, छिद्र जो होता है, कैविटी जो होती है, वो क्या होती है, गुहा का जो व्यास, डायमीटर रहेगा वो कम होता है। कहने का तात्पर्य ये थोड़ी सी ऐसे संकुचित टाइप में होती है, जबकि इनकी तुलना में शिराएं थोड़ी मोटी होती हैं। उनके अंदर मास, जो मसल्स, या आप उसको पेशियां कह सकते हो, जो पेशी होती है वो पेशी किस में होती है ज्यादा? धमनियों में। पेशियां भी अधिक होती है। इसके कारण क्या होता है कि वहां पर ब्लड प्रेशर, रक्त दाब जो है वो उच्च लगता है। तो कहने का तात्पर्य क्या रहेगा कि BP या ब्लड प्रेशर निम्न में से किस में हाई या उच्च होता है? तो अपना आंसर क्या बनेगा? धमनिया, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? वैसे तो देखो, ये सवाल ग्रंथि, ग्लैंड से संबंधित है, जो अपना एक चैप्टर जिससे अपन संबंधित सवाल आगे किसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन यहां पर सवाल आया रक्त दाब, क्यों? क्योंकि हृदय से, रक्त से संबंधित बातें कर रहे हैं। तो रक्त दाब का नियंत्रण, कंट्रोलेशन किसके द्वारा होता है? तो यहां पर अभी अपन याद रखेंगे, यहां पर ग्रंथि का नाम क्या लिखा हुआ है? अधिवृक्क। पहला ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि। इससे एक हार्मोन निकलता है, एड्रीनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? स्रावित सीक्रेशन किस हार्मोन का होता है? एड्रीनलिन हार्मोन का होता है। ये वो ही हार्मोन होता है जो हृदय की धड़कनों को इंक्रीज कर सकता है, बढ़ाता है, और रक्त दाब, BP, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को कंट्रोल, नियंत्रित करता है। इसलिए अपन जब ग्रंथियों की बात करेंगे तो सवाल आता है कि करो या मरो हार्मोन किसे कहा जाता है, आपातकालीन, इमरजेंसी वाला हार्मोन किसे कहा जाता है, जीवन रक्षक, लाइफ सेवर हार्मोन किसे कहा जाता है, संकट मोचक, तनाव, भय, 3F 4S हार्मोन, सिर्फ इसी हार्मोन को कहे जाते हैं। कारण क्या है कि हृदय की धड़कनों को बढ़ाने में सक्षम है, तो हृदय की धड़कनों को बढ़ाकर रक्त दाब को नियंत्रित कर सकता है। इसलिए अपना आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, अधिवृक्क एड्रीनल ग्रंथि, जिससे हार्मोन निकलता है। कौन सा? एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है? देखिए, वैसे तो हमने अभी अभी बात करी थी कि कौन सा हार्मोन, मैंने बताया था एड्रीनलिन हार्मोन। तो देखो, वैसे तो आंसर क्या बनना चाहिए अपना? एड्रीनलिन हार्मोन। लेकिन यहां पर एड्रीनलिन का नाम तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि थायराइड ग्रंथि से हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। ये थायरोक्सिन हार्मोन भी हृदय की धड़कनों को उत्तेजित करता है, बढ़ा सकता है उनकी। तो हृदय की धड़कन को उत्तेज करने वाला हार्मोन अगर एड्रिनलिन है तो बेस्ट आंसर, नहीं तो फिर अपन कौन सा टिक करते हैं? थायरोक्सिन। तो अपना आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, थायरोक्सिन हार्मोन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? तो ये तो हमने अभी अभी सीखा था, अशुद्ध रक्त को अंगों से हृदय की ओर ले जाती है कौन? अंग से हृदय की ओर, तो वो तो कौन ले जाएगी? शिरा ले जाएगी। और हृदय से अंगों की ओर कौन ले जाएगा? हृदय से अंग ऑर्गेन की ओर, टुवार्ड्स द ऑर्गेन, तो वहां पर कौन रहेगी? अपनी धमनी रहेगी, वीन्स और आर्टरीज। हृदय से अंग की ओर शुद्ध रक्त लेकर जाएगी। अब ये सवाल क्या कह रहा है, हृदय तक अशुद्ध रक्त कौन पहुंचाता है? तो अपना आंसर क्या बनेगा? शिरा। और बोल रहा है कि कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त को पहुंचाता है? तो देखो, फेफड़ी की धमनी, धमनी का तो नाम यहाँ पर है ही नहीं क्योंकि हृदय की ओर लेकर आ रहा है। फेफड़ी की नस, फेफड़ी की नस ये तो अंगों से हृदय की ओर की बात कर रहा है, जो भी अशुद्ध रक्त की बात कर रहा है। महाशिरा और महाधमनी, देखो महाधमनी तो लेके जाती है कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त, और वो भी कहां से ले जाती है? हृदय से अंगों की ओर। अब बचा क्या अपने पास आंसर, कि भाई मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त को कौन पहुंचाएगा? शिरा। और जिसका पड़ा हुआ है क्या? महाशिरा। देखो ये दो प्रकार की शिराएं होती है, एक कहलाती है अग्र महाशिरा, जिसको सुपीरियर वेनाकोवा कहा जाता है इंग्लिश में, और एक कहलाती है पश्च महाशिरा, जिसे इन्फीरियर वेनाकोवा कहा जाता है। अग्रवाली ऊपर वाले हिस्से से हृदय तक रक्त लाती है अशुद्ध, पश्च वाली जो है जिसको आपने इन्फीरियर नाम दिया, वो नीचे से सारे अंगों से रक्त को, अशुद्ध रक्त को, इम्प्योर ब्लड को टुवार्ड द हार्ट, हृदय की ओर लेकर आती है। तो ये दो प्रकार की महाशिराएं होती है। महाशिरा इसलिए बोला कि ये सबसे बड़ी है शरीर की, तो एक होती है अग्र महाशिरा, एक होती है पश्च महाशिरा। तो अपना आंसर क्या बनेगा, कि हृदय तक अशुद्ध रक्त कौन लेकर आता है? महाशिरा, जिसे अग्र और पश्च महाशिरा के नाम से जाना जाता है, सुपीरियर वेनाकोवा और इन्फीरियर वेनाकोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लेकर आती है? अब देखो एक सिंपल सा एक डायग्राम देखते हैं अपन, जैसे अपन बात करें ऐसे याद रखा करो हमेशा, अंगों से जब रक्त आएगा तो रक्त आएगा अशुद्ध रक्त आएगा। कैसा आएगा? अशुद्ध कौन लेकर आएगी? महाशिरा लेकर आएगी। कहाँ जाएगी? आलिंद में जाएगी। आलिंद कौन सा? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से वो जो त्रिवल्ली कपाट बताया था, वहां से कहाँ आएगा? लय में। और निलय से वो जो कपाट बताया था अपन ने, पल्मोनरी कपाट, वहां से निकालेगी फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। देखो फुफ्फुसीय वर्ड को इंग्लिश में पल्मोनरी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? पल्मोनरी धमनी। क्यों कहा गया? क्योंकि धमनी में तो रक्त बहना चाहिए था शुद्ध, जबकि मैंने यह क्या लिखा? अशुद्ध। और हृदय का क्या कंसेप्ट है, कि अगर अशुद्ध रक्त लेगा तो वापस भी अशुद्ध देगा, और अगर प्योर शुद्ध लेगा तो वापस शुद्ध देगा। क्यों? क्योंकि प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, रक्त का शुद्धिकरण कभी भी हृदय नहीं करता, वो तो सिर्फ रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन करता है। अंगों से रक्त लेगा, अंगों तक रक्त पहुंचाएगा, अर्थात हृदय का कार्य क्या है? रक्त की पंपिंग करना, ना कि शुद्धिकरण करना। तो यहां पर शुद्ध बहना चाहिए था, लेकिन अशुद्ध आया है तो अशुद्ध वापस जाएगा, और वो कहां जाएगा? फेफड़ों की ओर जाएगा। इसलिए इसको नाम दिया गया फुफ्फुसीय, जिसमें रक्त कैसा बहेगा? अशुद्ध बहेगा। ठीक है, तो अंगों से अशुद्ध रक्त महाशिरा से आता है हृदय की ओर, हृदय के दाएं निलय से, राइट वेंट्रिकुलर से लेकर जाती है पल्मोनरी आर्टरी, जिसको आपने फुफ्फुसीय धमनी कहा, वो अशुद्ध रक्त को फेफड़ों से ले जाएगी। जैसे रक्त के चैप्टर में एक सवाल भी आया था, तब मैंने डिस्कस किया था कि हृदय रक्त का शुद्धिकरण वैसे तो किडनी करती है, लेकिन अगर ये सभी ऑप्शन में आए तो किडनी क्या करती है? छानती है। जहरीलापन कौन दूर करता है? यकृत, लीवर करता है। और फेफड़ों में ऑक्सीजन जुड़ती है, तो तीनों का थोड़ा थोड़ा काम होता है ब्लड के प्योरीफाई करने में, प्योरिफिकेशन करने में। तो हृदय फेफड़ों से जब शुद्ध रक्त आएगा इम्प्योर, तो वो कहाँ जाएगा? अपना बाएं तरफ जाएगा, और बाएं तरफ अपना कौन होगा? आलिंद होगा, और नीचे की तरफ कौन होगा? निलय होगा। तो फेफड़ों से रक्त जब आएगा शुद्ध होके किडनी से, तो वो शुद्ध रक्त होगा। और यहां से कौन? अब अभी अभी हमने सीखा कि अंगों से हृदय की ओर, जैसे यहां लिखा मैंने अंग से हृदय की ओर कौन लेकर जाती है? शिरा। तो यहां पर भी अपना आंसर क्या बनेगा? शिरा बनेगा। क्या बनेगा यह आंसर अपना? शिरा। लेकिन शिरा में तो कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त, जबकि हमने क्या लिख डाला? शुद्ध। ऊपर से ऑक्सीजन और जोड़ देगा फेफड़े, O2 युक्त है ये, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ जाता है? फुफ्फुसीय शिरा पड़ जाता है। फुफ्फुसीय शिरा या पल्मोनरी बोल सकते हो आप, पल्मोनरी वेन्स। और वो रक्त कहाँ आएगा? आलिंद में। इस कपाट से निकलेगा, यहाँ के कपाट से निकलेगा, और फिर कहाँ जाएगा? अंगों की ओर जाएगा। और लेकर कौन जाएगी?
धमनी लेकर जाती है, और ये शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, इसलिए इसको महाधमनी या इंग्लिश में इसको एरोटा नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? एरोटा। तो बाइनले से, लेफ्ट वेंट्रिकुलर से शुद्ध प्योर ब्लड को, ऑक्सीजन युक्त विद ऑक्सीजन ब्लड को महाधमनी एरोटा लेकर अंगों की ओर पहुंचती है। अब आप सवाल पढ़ सकते हो कि फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है, फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है, शुद्ध रक्त कौन लेकर आएगी? फुफ्फुस या शिरा लेकर आएगी। तो आंसर देख लो क्या बनेगा, ऑप्शन बी फुफ्फुस शिरा, पल्मोनरी शिरा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त करता है। देखिए अभी जो मैंने बताया था इस लास्ट क्वेश्चन में, यहां से अशुद्ध आया और यहां से अशुद्ध निकला, तो राइट साइड में हमेशा कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध, इम्प्योर, CO2 युक्त बहता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। यहां से रक्त गया शुद्ध, यहां से आया शुद्ध, और यहां से भी कौन निकलेगा? शुद्ध रक्त। तो बायां भाग, लेफ्ट साइड, हमेशा कैसा फ्लो करता है रक्त का? शुद्ध रक्त का करता है। तो अब सवाल आप देख सकते हैं नेक्स्ट, कि अगले सवाल में बोला क्या था कि दाहिना भाग, राइट साइड में रक्त कैसा बहेगा? तो दाहिने भाग में कैसा बहेगा? अशुद्ध रक्त बहेगा। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी इम्प्योर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? सबसे पहली बात तो ये पेसमेकर है क्या? पेसमेकर को एक नाम और दिया जाता है, SA नोड। SA नोड, इसको आप साइनो एट्रिकुलर नोड भी कह सकते हो, या इसको शॉर्ट में एट्रियल भी बोल दिया जाता है, साइनो एट्रियल, या हिंदी में आप बोले तो इसको बोलते हैं शिरा आलिंदीय नोड। कौन सा नोड? शिरा आलिंदीय नोड। देखो ये नोड होता है किधर? दाएं आलिंद की ओर होता है। कहां होता है? दाएं आलिंद की ओर होता है। और ये क्या करता है? हृदय के कंपनों को शुरू करता है, धड़कनों को नियंत्रित करता है। जैसे आप बोलते हैं ना कि 70 से 72 बार हृदय धड़कता है, तो धड़कनों को शुरू करना, कंपनों को शुरू करना, धड़कनों को नियंत्रित करना किसके जिम्मे होता है? पेसमेकर के जिम्मे होता है। इसलिए पेसमेकर से एक सवाल बहुत बढ़िया अक्सर एग्जाम में आता है कि हृदय का हृदय, हार्ट ऑफ हार्ट, किसे कहा जाता है? पेसमेकर को कहा जाता है। तो पेसमेकर बोलो, हृदय का हृदय बोलो, SA नोड बोलो, शिरा आलिंदीय नोड बोलो, दाएं आलिंद में होता है हृदय का हृदय, अर्थात संबंधित किससे है? हृदय हार्ट से संबंधित है, दिल से संबंधित है पेसमेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो बस अब पेसमेकर का दूसरा नाम ही तो पूछा है। प्रारंभिक पेसमेकर का मतलब हृदय के धड़कनों को, कंपनों को शुरू कौन करता है? पेसमेकर ही करता है। इसलिए पेसमेकर का दूसरा नाम जो हमने बताया था क्या? SA नोड बताया था। तो अपना आंसर क्या बनेगा कि हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर किसे कहा जाता है? SA नोड को कहा जाता है। तो अपना आंसर हो गया ऑप्शन A, SA नोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि दिल की फुसफुसाहट मर्मर से क्या पता चलता है? कभी कभी क्या होता है कि दिल में एक अजीब सी आवाज आने लग जाती है, फुसफुस टाइप में, जैसा लिखा हुआ है मरमर। जैसे कभी गाड़ी अपन चलाते हैं चर चर करती है, अपना गेट या खिड़की खोलते हैं तो कभी आवाज सी आती है, इसी टाइप की आती है, कुछ चरमर चरमर टाइप। सेम कहानी यहां पर है कि दिल फुसफुसाहट मरमर से क्या पता चलता है? दो स्पून कपाट है तभी आवाज आएगी, या ऑक्सीजन की कमी है, या दिल का विस्थापन हो गया, या मांसपेशियों का अनियमित विकास हो गया। तो देखिए जैसे कभी कभी अपन देखते हैं कि खिड़कियां गेट है वो कुछ समय के बाद में आवाज करने लग जाते हैं, सेम कहानी यहां पर है। हृदय के कपाट जब दोषपूर्ण होने लगते हैं, कुछ परेशानी उनमें होने लगती है, तो कपाटों के खुलने बंद होने पर मरमर जैसी आवाज आती है। तो यहां पर अपना आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन A, दोषपूर्ण कपाट, अर्थात दोषपूर्ण वाल्व है, वाल्व में कुछ परेशानी है। जो कपाट चार बताए थे उनमें किसी कपाट में या चारों में या जो भी है वो कपाटों से संबंधित समस्या है। तो कहने का तात्पर्य दिल की, हृदय की फुसफुसाहट मरमर से क्या पता चलता है कि कपाट में कुछ प्रॉब्लम है, दोषपूर्ण कपाट या वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय बंद होता है, हृदय के चारों ओर एक झुल्ली बोलो या कुछ एक आवरण बोलो चारों तरफ से घिरा हुआ है, वो आवरण क्या कहलाता है? तो देखो हृदय के आवरण को कहा, हृदय आवरण बंद होता है किसमें? नाम से पता चल रहा है। देखो ये तो नेत्र से संबंधित है, ये दृढ़ तानिका ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर मस्तिष्क से संबंधित है, फुफ्फुस आवरण, फुफ्फुस आवरण में
बंद होते हैं फेफड़े, लंग्स। अब बचा क्या अपने पास? हृदय आवरण। याद रहे, इसको इंग्लिश में ज्यादा लिखा जाता है, जिसे कहते हैं पेरी कार्डियल। क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियल। तो हृदय का आवरण कहलाता है पेरिकार्डियल, जिसको हिंदी में कहते हैं हृदय आवरणीय या हृदय का आवरण, हृदय आवरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हृदय वंचित है। वंचित का मतलब हृदय में वो चीज नहीं मिलती है। तो ऑप्शन ए, हृदय की पेशी। अब नाम ही उसका हृदय है, तो हृदय की पेशियों को क्या बोलोगे? हृदय पेशी तो बोलेंगे। ऑप्शन बी, अनैच्छिक। अनैच्छिक का मतलब क्या है? नॉन वॉलंटियर, जिन पर अपना नियंत्रण नहीं है। जैसे अपन हाथ को फैला सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं, ये एक ऐच्छिक क्रिया हुई, वॉलेंटियर ही हुई, अपने कंट्रोल में है। लेकिन क्या हृदय, क्या फेफड़े, क्या छींकना, आंखों का झपकना, रक्त का प्रवाह, इन सब को अपन कंट्रोल कर सकते? नहीं कर सकते। तो ये अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो हृदय में क्या होगा? हृदय के किसी भी कार्य को हम अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका मतलब हृदय के अंदर ऐच्छिक नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। तो हृदय पेश होती है चिकनी पेशी या अनैच्छिक पेशी, एक ही बात होती है। अनैच्छिक को आप चिकनी बोल सकते हो, अनैच्छिक पेशी चिकनी पेशी या अरैखित भी कहते हैं इसे। तो यहां पर क्या आ गया? अपना ऐच्छिक पेशी आ गया। तो ऐच्छिक पेशी से हृदय क्या होता है? वंचित होता है। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा? ऐच्छिक पेशी, वॉलंटियरी वाली जो पेशियां हैं वो अपने हृदय में नहीं मिलती। और अनैच्छिक इन कार्डिक पेशियों के कारण है, तो हृदय कभी भी थकता नहीं है, कभी आराम विराम नहीं करता। तो यहां पर अपना आंसर क्या बनेगा कि हृदय में नहीं होता, वंचित किससे है? ऐच्छिक पेशियों से है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जब मानव हृदय में बाएं नलिया का संकुचन होता है, तो रक्त निम्न में से किसकी तरफ जाता है? देखो, कोई चीज अगर कहीं भर रहे हैं तो वो चीज क्या करेगी? कंप्रेस करेगी, फैलेगी, सिकुड़ेगी। क्या होगा? तो फैलने का, शीतलन, डायस्टोल करेगी। और अगर कहीं से रक्त निकल रहा है या कोई चीज निकल रही है, तो वो क्या करेगी? सिकुड़ेगी, कंप्रेस करेगी, सिस्टोल करेगी। तो यहां पर बोल रहा है कि बाएं नलिया से जब रक्त निकलता है, संकुचन का मतलब रक्त निकलेगा, रक्त निकलेगा तो कौन लेकर जाएगा? तो मैंने अभी अभी एक डायग्राम में बताया था कि बाएं नलिया, ये वाला अपना बाएं नलिया है, और यहां से कौन निकलती है? अपनी एरोटा, महाधमनी निकलती है। तो बाएं नलिया जब संकुचित होगा, तो यहां से रक्त कौन निकालेगा? महाधमनी, एरोटा निकालेगी। तो अपना आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, महाधमनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है, स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा। और दो चीजें तो क्वेश्चन के अंदर बताई हुई है कि स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार, बहुत जरूरी है, पर्याप्त नींद। कहते हैं भाई 6 से 8 घंटे, कम से कम 6 घंटे की नींद तो शरीर को आराम देने के लिए बहुत आवश्यक होती है। फिर बोल रहा है कि और क्या चाहिए? उत्साही मानसिक क्रियाकलापों में लीन होना आवश्यक है। आवश्यक होना तो जरूरी होता है, लेकिन क्या स्वस्थ हृदय के लिए आवश्यक है? कोई आवश्यक नहीं है। कैरम, शतरंज या ताश जैसे खेल खेलने के लिए, वो मनोरंजन के लिए होते हैं। सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। बैठे रहने वाला काम करना, बैठे रहने वाला काम करते रहेंगे तो हृदय में जैसे होता है ना, कोलेस्ट्रॉल, वसा ज्यादा जमा होने लग जाता है, रक्त वाहिनियों में हृदय आघात, हार्ट अटैक की संभावना बन जाती है। तो ये कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो अपने दिमाग से खेलने होते हैं, अब लॉजिक के अनुसार आंसर देना होता है। और अपना आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ आप सिंपल सा जवाब दे सकते हैं, सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है। कहते नहीं कि भाई दिन प्रतिदिन कम से कम 1,000 कदम तो चलना चाहिए। 1,000 कदम चलने से क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल, वसा की मात्रा बॉडी में कम रहेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, हृदय स्वस्थ रहेगा। तो शारीरिक या रूटीन जो अपना वर्कआउट है, वॉक करना या दौड़ना, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज की, जैसे बोलते हैं उसको, शुगर है, डायबिटीज है। तो इन सबको नियंत्रित करने के लिए रोज कम से कम अपने दैनिक जीवन में 30 मिनट तो कम से कम है ही, तो कम से कम आधा से लेके 1 घंटा अपने शरीर को स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है निकालना। तो अपना आंसर क्या बनेगा? सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिल का दौरा किस कारण पड़ता है? हार्ट अटैक की संभावना कब ज्यादा होने लगती है? तो देखो, हृदय पर जीवाणु का हमला हो, हृदय गति का रुक जाना, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी हो जाना, या अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आना। तो देखो, अज्ञात कारण भी हो सकता है जिसका पता ही नहीं चल पाए, ऐसा भी हो सकता है, ये भी आंसर बन सकता है। हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, अब रक्त अगर हृदय की दीवारों को नहीं पहुंचा तो हृदय की दीवारें सूखने लगेगी, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ेगी, डेफिनेटली ये आंसर भी बन सकता है। हृदय की गति का रुक जाना, ये तो नॉनसेंस बात है, क्योंकि
जब रक्त नहीं बहेगा तभी तो हृदय की गति रुकेगी और हृदय पर जीवाणु का हमला, जरूरी नहीं है कि उससे रक्त का प्रवाह रुके या हृदय आघात, तो कुछ और भी तो हो सकता है। तो सवाल क्या, दिल का दौरा किस कारण पड़ता है? और दो आंसर यहाँ पर है कि हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी और अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आना। दोनों में से बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या बनेगा? हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी हो जाना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? देखो तीन सवाल हमेशा याद रखो, अगर पूछे कि सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है, सबसे बड़ी धमनी कौन है, लार्जेस्ट जो आर्टरी है वो कौन है, तो सबसे बड़ी धमनी तो कौन रहेगी? महाधमनी, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं एरोटा। और अगर पूछे कि सबसे बड़ी शिरा कौन है, द मोस्ट लार्जेस्ट वीन कौन सी रहेगी, तो सबसे बड़ी शिरा का जो नाम है वो कौन रहेगा? अब मैंने दो बताई थी, एक अग्र महाशिरा और एक पश्च महाशिरा। अब बताओ अग्र वाली तो यहां से यहां तक रक्त ला रही है और पश्च वाली यहां से यहां तक रक्त ला रही है, तो कौन सी बड़ी हुई? ऑब्वियसली डेफिनेटली कौन रहेगी? पश्च वाली। तो सबसे बड़ी शिरा कौन रहेगी? पश्च महाशिरा, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इनफीरियर वेना कोवा। देखो कोई कोई वर्ड ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में बहुत जरूरी है, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में सवाल आए कि सबसे बड़ी धमनी कौन है और चार ऑप्शन में महाधमनी लिखा हो, कोई जरूरी नहीं है। आजकल बायलिंगुअल है, आजकल कोई कोई हिंदी शब्द ऐसे फेमस होते हैं हिंदी के इंग्लिश वाले कि इंग्लिश वर्ड एजुटेज आ जाता है। तो महाधमनी को याद रखना एरोटा और पश्च महाशिरा को याद रखना इन्फीरियर वेना कोवा। और एक और याद रखना, जो अपने चार कक्ष चैम्बर पढ़े थे कि भाई दायां आलिंद दायां नलय, बायां आलिंद बायां नलय, उन चारों में सबसे बड़ा कक्ष मतलब हृदय का सबसे बड़ा कक्ष कौन होता है? तो देखो हृदय का सबसे बड़ा कक्ष जो चैम्बर है वो कक्ष कौन होता है? वो होता है बायां नलय, क्योंकि यहां से शरीर के सारे भागों तक रक्त का पहुंचना जरूरी होता है, वही शुद्ध रक्त। तो हृदय का सबसे बड़ा कक्ष बायां नलय, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, सबसे बड़ी शिरा पश्च महाशिरा इन्फीरियर वेना कोवा, और सबसे बड़ी धमनी महाधमनी एरोटा। ये तीन सवाल हैं बड़े से संबंधित, तो कृपया करके ये जरूर याद रखना। अब अपना सवाल क्या था? सबसे बड़ी धमनी, तो ऑब्वियसली बात अपना आंसर क्या होगा? महाधमनी एरोटा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? कहने का तात्पर्य क्या हुआ? ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भाई शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी किसके जिम्मे है, कौन जिम्मेदारी, कौन दायित्व निभाएगा? आरबीसी, हीमोग्लोबिन के माध्यम से। तो अब देख सकते हैं, देखो ये तो थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स की बात कर रहा है, ये श्वेताणु मतलब डब्ल्यूबीसी की बात कर रहा है, ये लसिकाणु लिम्फोसाइट की बात कर रहा है। अपना आंसर क्या रहेगा? लोहित कोशिकाएं। लोहित का मतलब लोहे वाली, मतलब कौन? हीमोग्लोबिन वाली। हीमोग्लोबिन मतलब किसके साथ थी? आरबीसी के साथ थी। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा? लोहित कोशिकाएं, आयरन लोहा वाली कोशिकाएं, हीमोग्लोबिन वाली कोशिकाएं। कहने का तात्पर्य आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पल्स या रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? अब देखिए रुधिर परिसंचरण से तात्पर्य क्या है? शरीर के अंगों से रक्त का हृदय तक आना और हृदय से शरीर के अंगों तक रक्त को पहुंच जाना। तो दो चीजें हैं, रक्त का अध्ययन तो हीमेटोलॉजी कहलाया था, जिसके जनक हम जान चुके हैं विलियम ह्यूसोन है। लेकिन अब बात कर रहे हैं कि रक्त परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में किसने बताया था? तो अपना आंसर कौन होगा? विलियम हार्वे, 1628 की बात है जिन्होंने इसके बारे में बताया था। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र के जनक, द फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कौन है? तो वो कौन होंगे? विलियम हार्वे। एक बात ये भी याद रखना कि अपने मनुष्य शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता कैसे है, ओपनली होता है या क्लोज्ड? कहने का तात्पर्य यत तत्र कहीं भी ऐसे ही घूमता रहता है बिना नलियों के, या ट्यूब्स के अंदर, रुधिर वाहिनियों के अंदर बहता है। तो हमने देखा था शिरा और धमनी। तो मनुष्य का रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? बंद, एकल होगा या दोहरा। तात्पर्य मीनिंग क्या है इसका? दैट मींस कि शुद्ध बहता है पूरे शरीर में या अशुद्ध बहता है,
या दोनों प्रकार का बहता है। तो अपने शरीर में जैसे दो देखा था, दाएं साइड में अशुद्ध बह रहा था हृदय में और बाएं साइड में शुद्ध, दो प्रकार का होता है। तो मनुष्य का रक्त परिसंचरण तंत्र बंद होता है और दोहरा प्रकार का होता है, डबल टाइप होता है। ठीक है, एक बात साथ में हम ये भी याद रखेंगे कि हृदय का कार्य, तो देखो काफी सवाल तो इससे संबंधित आ गए थे, कुछ सवाल की ओर बात करते कि हृदय का कार्य, तो देखिए हृदय का कार्य है रक्त की पंपिंग करना। बहुत विद्यार्थी इस सवाल में गलती करते हैं और टिक कर देते हैं कि भाई शुद्धिकरण करता है, रक्त अगर शुद्ध लेगा तो शुद्ध वापस करेगा, अशुद्ध लेगा तो अशुद्ध वापस करेगा। तो हृदय प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, रक्त का शुद्धिकरण नहीं करता, वो रक्त की केवल पंपिंग करता है। पंपिंग ऑफ ब्लड कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अंगों से रक्त को लेगा और वापस अंगों तक रक्त को पहुंचा देगा। तो ये हृदय का कार्य याद रखना। अच्छा एक बात और कि जो शिरा और धमनी आपने बताई थी, तो शिरा और धमनी का जो अध्ययन है वो स्टडी मतलब रक्त वाहिनियों का अध्ययन कहलाता है एंजियोलॉजी। हृदय का अध्ययन तो कार्डियोलॉजी और शिरा व धमनी ये जो अपने ट्यूब्स हैं रुधिर की, रक्त की, रक्त वाहिनियां शिरा और धमनियां, इनका अध्ययन कहलाता है क्या, एंजियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्न में से क्या परिणाम होगा। देखो यहां पर मेन जो घटना घटती है वो धमनियों के साथ घटती है, धमनियां सिकुड़ने लग जाती हैं, कंप्रेस हो जाती हैं, रक्त का प्रवाह बहने में, फ्लो ऑफ ब्लड में मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। तो अपना आंसर बनेगा ऑप्शन ए, सभी धमनियां सिकुड़ने लगती हैं, संकुचित कंप्रेस्ड होने लगती हैं। तो अपना आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, सभी धमनियां संकुचित हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहा जाता है। ऑप्शन ए इस्कीमिया, ऑप्शन बी हाइपरीमिया, ऑप्शन सी हीमोस्टेटिस स्टेसिस और ऑप्शन डी हेमोरेज। तो देखो रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति मतलब ठीक तरीके से रक्त की पर्याप्त पूर्ति नहीं हो पा रही है वो तो कहलाती है इस्कीमिया, और ज्यादा ही कर रहा है पूर्ति से भी ज्यादा रक्त तो वो कहलाता है हाइपरीमिया। हाइपरीमिया मतलब ज्यादा, इस्कीमिया मतलब कम। तो याद रखना इंग्लिश वर्ड पूछा गया है कि मानव शरीर में रक्त की इनसफिशियंट जो फ्लो है, पूर्ति है, आपूर्ति है, वो क्या कहलाएगी, इस्कीमिया कहलाती है, ऑप्शन ए इस्कीमिया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिनियों की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब, अब देखो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो नहीं भी पढ़े हो ना तो भी लॉजिकल आंसर अपन दे सकते हैं। ये क्या कह रहा है कि रुधिर वाहिना मतलब शिरा है या धमनी है, अब उसकी त्रिज्या कम हो गई, अगर त्रिज्या डायमीटर रेडियस अगर वो कम होगी तो वो मोटी कहलाएगी या बहुत पतली, ऑब्वियस सी बात है जितनी त्रिज्या कम होती चली जाएगी। तो अगर कम त्रिज्या चपटी है मतलब चपटी के कहने का तात्पर्य अगर बहुत पतली है सिकुड़ी हुई है तो कोई भी चीज अगर बहेगी तो दाब ज्यादा लगेगा कि कम, जितनी ज्यादा नली मोटी होगी दाब कम और जितनी त्रिज्या कम रेडियस डायमीटर कम होता चला जाएगा दाब क्या होगा बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर क्या होगा रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या रेडियस अगर कम होने लगेगी तो उसका ब्लड प्रेशर रक्तदाब वहां क्या होगा बढ़ेगा, ऑप्शन ए बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका सह संबंध रक्तचाप से है, तो हमने बताया था एड्रिनलिन हार्मोन, एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, तो अपना आंसर क्या बन जाएगा सीधे सीधे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ऑप्शन बी अधिवृक्क एड्रिनल ग्लैंड। चलिए अगला क्वेश्चन है रक्तदाब का नियंत्रण, तो देखो फिर से वही सेम सवाल रिपीट हुआ है कि रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है, अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि करती है। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं, सबसे बड़ी विडंबना यहां पर ज्यादातर विद्यार्थी इसका आंसर गलत टिक कर देते हैं, कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहा जाता है। ज्यादातर आंसर्स क्या टिक करते हैं, सीरम, उसने क्या बोला है कणिकाओं के बिना, बिना सेल्स, बिना कार्पस, बिना आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। तो रक्त के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि रक्त में दो चीजें तो होती है मेन, एक प्लाज्मा जो तरल भाग बनाता है और एक कणिकाएं कार्पल्स या सेल्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स वो ठोस भाग बनाती है। तो बोल रहा है कि कणिकाओं को हटा दिया, कणिकाओं को हटा दिया तो वो सीरम नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा अपना प्लाज्मा। सीरम कब बोलोगे, एक प्रोटीन जो मैंने प्लाज्मा में बताई थी फाइब्रिनोजन, अगर इसको निकाल दो तो फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा
अगर ऐसा पूछता तो कहलाता क्या? सीरम। लेकिन उसने बोला है कि केवल कणिकाओं को हटा दो तो रक्त का तरल अंश क्या कहलाता है? ऑप्शन बी प्लाज्मा कहलाता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए रक्तता किसकी कमी के कारण होती है? तो यहां पर वैसे ये विटामिन से संबंधित सवाल है। विटामिन बी जो होता है उसमें तीन विटामिन आते हैं, B6, B9 एंड B12। 6 का मतलब होता है इसका रासायनिक केमिकल नेम पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। B9 का होता है बायोटिन, सॉरी B9 होता है फॉलिक, B7 होता है बायोटिन, तो फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल, और B12 होता है साइनोकोबालेमिन, साइनोकोबालेमिन। अब ये बोलता है, अब सवाल क्या कह रहा है कि अरक्तता, अरक्तता का मतलब क्या है? एक तरह से रक्त की कमी हो जाना, एनीमिया, लैक ऑफ ब्लड, खून की कमी हो जाना। तो तीन विटामिन याद रखना। तो यहां पर देखो, इन तीन में से जो नाम होगा वो अपना आंसर बनेगा। राइबोफ्लेविन नहीं, थियामिन नहीं, नियासी नहीं, आंसर क्या हो गया? B9, ऑप्शन सी, फॉलिक एसिड की कमी से होता है क्या अरक्तता, लैक ऑफ ब्लड, खून की कमी, रक्त अल्पता या एनीमिया, कुछ भी आप बोल सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से वर्णक प्रोटीन क्रोमो प्रोटीन कौन सा है? तो ये तो हमने बताया था, ग्लोबिन प्रोटीन, क्रोमो प्रोटीन, वर्णक प्रोटीन, जो रक्त का रंग किसके कारण लाल हो रहा था? हीमोग्लोबिन के कारण। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा यहाँ? ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? पहले क्या होता था कि अगर हृदय काम करना बंद कर दे, या मान लो हृदय में कोई समस्या है, तो हृदय को ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता था। लेकिन पहले ऐसे वैज्ञानिक डॉक्टर जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में ये साबित कर दिखाया, विश्व में रिकॉर्ड बनाया था कि हृदय को भी प्रत्यारोपित किया जा सकता है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। तो बोल रहा है कि फर्स्ट सक्सेस हार्ट ट्रांसप्लांटेशन बाय, प्रथम या पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? CN बर्नार्ड ने किया था। किसने किया था? CN बर्नार्ड। बात है 3 दिसंबर 1967, 3 दिसंबर 1967। बात है कैपटाउन की, कैपटाउन की, साउथ अफ्रीका। बात है साउथ अफ्रीका की, कैपटाउन की बात है 3 दिसंबर 1967 की। और यदि वो पूछे कि भारत की बात करें, इन इंडिया, भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण, फर्स्ट सक्सेस हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इन इंडिया बाई, तो अपना आंसर बनेगा डॉक्टर वेणुगोपाल। कौन बनेगा? डॉक्टर वेणुगोपाल। कब की बात है? 3 अगस्त, 3 अगस्त 1994 की बात है। कहाँ किया था? एम्स हॉस्पिटल में किया था, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में किया था, डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था। तो दो बातें याद रखना। वैसे कम संभावना होती है कि सन डेट या जगह की बात करें, नॉर्मली दो सवाल आते हैं कि भारत में प्रथम डॉक्टर वेणुगोपाल, और वर्ल्ड में फर्स्ट जो हार्ट ट्रांसप्लांट था सक्सेस, वो किसने किया था? CN बर्नार्ड, क्रिश्चियन बर्नार्ड कहते हैं इनको, क्रिश्चियन बर्नार्ड कहा जाता है, CN बर्नार्ड कहा जाता है, या क्रिश्चियन बर्नार्ड फुल नेम के नाम पर जाना जाता है, क्रिश्चियन बर्नार्ड। और एक बात जरूर याद रखना, कृत्रिम हृदय, आर्टिफिशियल हार्ट किसने बनाया था? तो डॉक्टर का नाम है रॉबर्ट जार्विक। किसने बनाया था? रॉबर्ट जार्विक ने बनाया था, जिसको नाम दिया गया हार्ट को, आर्टिफिशियल हार्ट को, जार्विक 7। क्या नाम दिया गया था? जार्विक 7। तो आर्टिफिशियल हार्ट, कृत्रिम हृदय बनाया था किसने? जार्विक 7 ने। और बनाया था रॉबर्ट जार्विक ने, हृदय का नाम था क्या? जार्विक 7। तो ये हृदय से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जो विभिन्न प्रकार के जो भी एग्जाम्स होते हैं, SSC है, रेलवे है, RP है, DP है, RAS वगैरह, नीचे से लेकर अपर लेवल तक जिसमें भी सवाल हैं, इस प्रकार के सवाल कई बार, कई कई बार देखे गए हैं। तो इनको अच्छे से पढ़ना, समझना। आज के लिए काफी। नमस्कार।